लिए जाम का निदान कैसे किया जाए, इसलिए हम लोग निरीक्षण किया, हम लोग स्थल चयनित कर लिए हैं। निरीक्षण कर हम लोगों ने ये देखा है कि शहर में जो इतनी जाम की समस्या बनी रहती है, जो वर्षों से बनी रहती है, इसको कैसे हम लोग जो है सो समस्या का समाधान कर सकते हैं। बार बार शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। अनुमंडल कार्यालय में SDO इश्तियाक अली अंसारी की अध्यक्षता में बीते दिनों बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की एक टीम जिसमें DSP पुपरी विनोद कुमार, DCLR सह कार्यपालक पदाधिकारी ललित कुमार सिंह, BDO नूतन किरण, राजस्व पदाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव, उपसभापति जय किशोर प्रसाद ने शहर के विभिन्न सड़क व चौक चौराहों का निरीक्षण किया। बताते चले कि सीतामढ़ी से मधुबनी जाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस से गाढ़ा जयपुर कोठी वाले रास्ते को बाईपास बनाने के लिए निरीक्षण किया गया। इसके बाद मधुबनी से सीतामढ़ी की तरफ जाने के लिए लोहिया भवन के रास्ते स्टेशन रोड बुलंद चौक होकर सरजू नगरी होते हुए SH में शामिल कर बाईपास रखने का निरीक्षण किया गया। बताया गया कि इस नई व्यवस्था के तहत शहर में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा अधिकारियों ने टावर चौक, नागेश्वर स्थान मंदिर स्थित खाली जमीन पर वेंडिंग जोन बनाए जाने व फुटकर विक्रेताओं को शिफ्ट करने से लेकर टेम्पू पड़ाव संबंधित स्थल का भी निरीक्षण किया। इसी क्रम में नगर प्रशासन की तरफ से फुटकर विक्रेताओं को जगह खाली करने के लिए नोटिस भी तामील कराई गई। इधर नगर परिषद कार्यालय में ठेला वेंडरों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सभापति ब्रजेश कुमार जालान ने किया। बैठक में SDO इश्तियाक अली अंसारी, DSP विनोद कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी ललित कुमार सिंह के अलावा कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। SDO पुपरी ने ठेला वेंडर व फुटकर फल विक्रेताओं को वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने का निर्देश दिया। SDO ने कहा कि रोड पर ठेला लगाना गैर कानूनी है, निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़क पर दुकान लगाने वाले ठेला वेंडर व फल विक्रेताओं को नागेश्वर स्थान स्थित वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने का निर्देश दिया। बैठक में ठेला वेंडर ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ठेला वेंडर की मांग पर 10 मई के बाद हर हाल में वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने का समय दिया गया। इस बीच वेंडिंग जोन की साफ सफाई के निर्देश भी सफाई जमादार को दिया गया। बैठक के बाद अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर उपसभापति जय किशोर प्रसाद, CO कौशल किशोर द्विवेदी आदि भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कल 10 तारीख है और फल विक्रेताओं एवं फास्ट फूड विक्रेताओं ने जो समय मांगा था वो समय अब खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दे। लोग मीटिंग किए हुए आज की है, इसमें SDPO साहब, निसलार साहब, BDO CO अतन भाई साहब और गणमान्य जनता आए हुए थे, सभापति और उपसभापति भी थे। हम लोग तय किए कि जो जाम आए दिन लगे रहते हैं, इसके लिए जाम का निदान कैसे किया जाए, इसलिए हम लोग निरीक्षण किया, हम लोग स्थल चयनित कर लिए हैं और नो एंट्री जोन का भी हम लोग फैसला किए हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हम लोग एंट्री जोन बनाया जाएगा और तत्काल राहत जनता को मिल सके। कि आज हम लोग संयुक्त रूप से आज जो है सो पूरे पुपरी शहर का हमने भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान हमारे SDPO साहब थे, SDO साहब थे, हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद महोदय हैं, BDO साहब, CO साहब, हम लोगों ने
आज शहर का निरीक्षण कर हम लोगों ने ये देखा है कि शहर में जो इतनी जाम की समस्या बनी रहती है, जो वर्षों से बनी रहती है, इसको कैसे हम लोग जो है सो समस्या का समाधान कर सकते हैं। बार बार जिला स्तर पर भी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा भी बार बार निर्देश दिया जाता है कि पुपरी शहर जब भी जाते हैं तो हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। आप जानते हैं कि पुपरी शहर से जो है सो सीतामढ़ी और इतना दरभंगा मधुबनी का जो है सो मेन रूट पर ये पुपरी का बाजार अवस्थित है, और इसी के मद्देनजर आज हम लोग पूरे मार्केट का जो है सो निरीक्षण किए हैं। और हम लोग जो है मुख्य रूप से यही निर्णय लिए हैं कि जितने भी मार्केट के जितने भी ठेला व्यवसायी हैं उन लोगों को हम लोग जो है सो जो पंचेश्वर महादेव मंदिर है, जो पोखर तालाब है, उसकी भिंडा पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। जो शाम के समय में जो छोटा छोटा ठेला, जैसे पानी पूरी हुआ और जो विभिन्न तरह के जो चाउमीन हुआ, फास्ट फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, उन लोगों को जो पंचेश्वर ये जो बाबा का मंदिर है इसके सामने वाले जो जो जगह है नगर परिषद का जो डेवलप किया गया वहां पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। साथ ही जो मुख्य समस्या है जो बड़ी गाड़ी की, जो खास करके बस और ट्रक की, तो उसमें हम लोग जो है सो डाइवर्ट करेंगे। जो सीतामढ़ी से जो मधुबनी की ओर जो बस या ट्रक जाएगी, बड़ी बड़ी वाहन जाएगी, उसको रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे से जो वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 की ओर जाती है, जो आगे रिलायंस टावर की ओर जाती है, उसको हम लोग डाइवर्ट करेंगे। और साथ ही जो मधुबनी से चलकर जो सीतामढ़ी की ओर रोड जाती है उसको हम लोग जो है सो जो हमारे जो नगर परिषद का कार्यालय है वहां से जो सड़क जो जाती है उसको स्टेशन होते हुए हम लोग जो है सो इस सीतामढ़ी मेन रूट में निकालने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी सड़कें गाड़ी है वो शहर से बाहर बाईपास की ओर से निकल जाएगी, और शहर में अवस्थित जितने भी हमारे छोटे छोटे ठेला भाई सब हैं वो पंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर, और इस तरह से शहर जो है सो पूर्ण तरह से जो है सो यातायात फ्री हो जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या यहाँ पे पुलिस की भी नियुक्ति की जाएगी? जी बिल्कुल, हम लोग अभी 4 जगह चिन्हित किए हैं, जिसमें प्रमुख है आपको नागेश्वर स्थान जो 3 चौराहा है वो, उसको टीम वाणी, उसके बाद आजाद चौक, उसके बाद जो है सो कर्पूरी चौक है, उसके बाद विद्यापति चौक, ये 4 जगह पर हम लोग पुलिस की व्यवस्था करेंगे जो कि यातायात को डाइवर्ट कर सके और संबंधित रोड में उसको आगे बढ़ा सके। ऑफर 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 ही ऑफर, शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ, और पाएं फर्स्ट प्राइज एलईडी टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर से, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर शामिल हो जाए।